नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कुलहेड़ी में बड़ा हादसा हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण किसान के खेत की कच्ची छत भर भरा कर गिर गई, जिसमें 7 पशु दब गए, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई। गिरती छत देख किसान दंपत्ति ने किसी तरह खेत से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मौका मुआयना किया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुलहेड़ी में बस्ती से अलग हटकर अफसर ने अपना घेर बनाया हुआ था। अफसर पत्नी और 5 बच्चों के साथ घेर में ही रहता है। वहीं पर 7 दुधारू पशु पालकर अपने घर का गुजर बसर करता है। अफसर की पत्नी इमराना ने बताया कि देर रात काफी तेज बारिश हुई, बिजली भी कड़की। बताया गया कि वह तथा उसका पति अफसर पशुओं के पास घेर में सोए हुए थे, जबकि बच्चों को सामने बने कमरों में सुला दिया था। तेज बारिश के साथ जैसे ही बिजली कड़की तो उन्हें छत और दीवार से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसने अपने पति को उठाया और घेर से बाहर आ गई। इतने में ही घेर की कच्ची छत भर भरा कर गिर गई, जिसमें 7 पशु दब गए। शोर मचाया तो गांव वाले मदद को आए। काफी मशक्कत के बाद मलबे से पशुओं को निकाला गया, लेकिन उसके 2 पशु मलबे में ही दबकर मर गए। इमराना ने बताया कि उन्होंने पशुओं को घेर में ही बांधा हुआ था। इसके साथ घर का खाने पीने का सामान भी वे लोग घेर में ही रखा करते थे। घेर में ही वह पूरे साल का गेहूं रखते थे। छत गिरने से पशुओं के साथ खाने पीने का सभी सामान और साल भर का गेहूं भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया है, जिससे उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घेर की छत गिरने से पशुओं के लिए साया भी खत्म हो गया। वहीं बारिश के बीच SDM सदर परमानंद झा ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। आज रात से ही जो है अत्यधिक बारिश हो रही है, और बारिश के कारण और वज्रपात भी कहा जा रहा है कि वज्रपात के कारण इमराना वाइफ ऑफ अफसर, इनका एक पशुशाला थी और एक छोटा सा घर भी है वहाँ पर, इनका वहाँ इनके 5-7 पशु बंधे हुए थे, जिसमें से 2 पशु की मृत्यु हो गई। हम लोग जैसे ही सूचना मिली 7:15 बजे हम लोग लगभग 9:30 बजे पहुंच गए थे। यद्यपि बारिश हो रही थी, फिर भी हम लोग, हमारी पूरी टीम वहां पर, लेखपाल, कानगो, मैं स्वयं पहुंचा था। सर को मुआवजे का और उसकी जो है साथ ही हम पशु चिकित्सक को भी बुलाया गया। पशु चिकित्सक से चूँकि रिपोर्ट ली जाती है इस संबंध में मृत्यु का कारण और उसकी उम्र, जो पशु हैं उनके उम्र के बारे में वो रिपोर्ट ली जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो हम इनको उचित मुआवजा जो भी है नियमानुसार देंगे। ये गरीब परिवार है, हमारी पूरी सहानुभूति इनके साथ है, शासन पूरा उनके साथ खड़ा है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में किसानों से जुड़ी समस्याओं तथा अग्निपथ स्कीम के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने विकास खंड में पंचायत आयोजित की, जिसके बाद सभी किसानों ने पैदल मार्च करते हुए SDM सदर परमानंद झा को 15 सूत्रीय समस्याओं को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 31 जुलाई को चक्का जाम करने ने लिया गया था, लेकिन हरियाली तीज और लेखपाल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में फेर बदल कर चक्का जाम के बजाय निर्धारित पॉइंट्स पर पंचायतों का आयोजन किया गया। चरथावल विकास खंड में भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने MSP पर गारंटी कानून बनाने की मांग, अग्निपथ स्कीम तथा किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर पंचायत की। इसके बाद सभी किसानों ने पैदल मार्च करते हुए SDM सदर परमानंद झा को 15 सूत्रीय समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। आज का भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से चक्के जाम की घोषणा थी पूरे भारत में, लेकिन आज एक तो लेखपाल की आज पेपर है और हरियाली तीज का त्यौहार है, उसे लेकर आज चक्का जाम तो है ना, लेकिन जहाँ जहाँ पॉइंट थे वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है और संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में 15 सूत्रीय मांग है जो सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, जो MSP पर कानून बनाने की बात करी थी दिल्ली में बैठ के, जो कमेटी बनाने की बात करी थी, जो आवारा पशु खुले घूम रहे, किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे, उन सब मुद्दों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। अगर जल्दी ही इस पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भारतीय किसान यूनियन मजबूर होगी और उसका टोटल जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन और सरकार की होगी। आज विकासखंड चरथावल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पर किसान संगठन के पदाधिकारी और सारे किसान, सम्मानित किसान आए थे और 15 सूत्री ज्ञापन मुझे दिया है। मैं जाते ही इसको प्रस्तुत कर दूँगा और मेरे द्वारा जो है उनकी मांगे जो भी निर्णय वहीं से होना है, जो हमारे स्तर से मांगे हैं उसका हम जो
है निराकरण हुआ। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसानों के प्रति जो समर्थन की उनकी भावना ये सराहनीय है, जो समस्याएँ आ रही हैं ये लोग उठाएंगे तो हम समय समाधान जरूर करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़ गई आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने अपने घर में घुसकर एक युवक पर पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। चरथावल थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बिरासी चौकी प्रभारी जय सिंह नागर ने आरोपी नीरज पुत्र अरविंद निवासी गाँव बुड्ढा खेड़ा को उसके घर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।